देवी महिला का नाम हुआ, उन्होंने उनका इन लोगों से 4-5 साल से अपना बंधन समूह और भारत समूह सहजा बैंक इन सब के मामले से धनलक्ष्मी के इससे लोग लोन उठाता था। हाँ, लोन उठाता था और उसको EMI के रूप में भरता था। तो वो पैसा इन लोग से उठाई, इन लोग को कुछ पैसा दी और बाकी पैसा अपने पास रखी और अपने इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी। पिछले 4 महीने से इन लोगों का इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुआ, तो इन लोगों को फ़ोन आने लग गया सारे फाइनेंस कंपनी से कि आप लोग पैसा जमा कीजिए, जबकि पैसा इन लोग को मिला ही नहीं। तो ऐसा लगभग 21 से 22 महिला है जिसका लगभग 9 से 10 लाख टोटल अमाउंट होता है जो लोन के रूप में उसने विभिन्न संस्थाओं से उठाया, ठीक है, लेकिन पैसा इन लोग को नहीं मिला। अब EMI भरने के लिए इन लोग को फोर्स किया जा रहा है। तो उसी का कंप्लेन लेके लिखित शिकायत एक हम लोगों ने जुगसलाई थाना में दिया है। अभी बड़ा बाबू नहीं है, वो आएंगे तो आगे का पता चलेगा कि वो क्या संज्ञान लेंगे इस मैटर पे। तो इस वो क्या संज्ञान लेंगे, सारे महिलाएं जुगसलाई की हैं, सारे महिलाएं जुगसलाई की हैं, गद्दी मोहल्ला के आसपास और गद्दी मोहल्ला में सब रहती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति कुमार मिश्रा हूँ। परिसर में आप सामने देख सकते हैं, थाना परिसर के पीछे एक बैडमिंटन कोर्ट नया बनाया गया है थाना प्रभारी जुगसलाई के अपने इनिशिएटिव से। और थाना क्षेत्र में रह रहे हैं जो लोग, गणमान्य लोगों को अधिकारियों से सहयोग सहजन्य से ये जो बनाया गया है और इसमें जो अपना बल है, स्मॉल एक्शन टीम है जो सैट बल रखती है, उनके द्वारा इस जंगल का क्षेत्र है, उस जंगल को लोग अपना जारी को साफ कराते हुए फिर उसके बाद इन्होंने एक अच्छी तरीके से नया एक बैडमिंटन कोर्ट बनाया ताकि इसमें हम लोगों को खुद भी खेलने के लिए मौका मिल रही है और उसके अलावा जो अगल बगल लोग हैं, गणमान्य व्यक्तिगण है, जो प्लेयर है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर खेलने के लिए मौका मिलेगा। और आजकल पुलिसिंग में समय नहीं मिलती हम लोगों को फिट रहने के लिए और ये ज़रूर जो जवान है से ऑफिसर है से लाभान्वित होंगे। कम से कम रोज़ सुबह या नहीं तो शाम में जैसे किसी का अपना समय मिलता है ड्यूटी के अनुसार आधा से एक घंटे खेलने में उनको जो है शरीर अच्छी से रहती है और अच्छी तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। तो हर थाना में इस तरह बनना चाहिए? हाँ, जो जो जगह पे है, जो जो थाना पे जगह है हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं। कहीं वॉलीबॉल कोर्ट बनता है, कहीं बास्केटबॉल बनती है, कहीं जो है बैडमिंटन बनती है। तो यहाँ पर जो जगह के अनुसार इन्होंने बैडमिंटन कोर्ट के लिए चुना है, बहुत काफ़ी अच्छा कोर्ट बनाया गया है। और बाकी जो भी है पुलिस स्टेशन में हम लोग भी प्रयास करेंगे कि हर जगह कुछ न कुछ ऐसे खेल के लिए कुछ बन जाए ताकि लोगों को कम से कम आधा से एक घंटे का प्रतिदिन कुछ मौका मिल जाए कि शरीर को अपना फिजिकल एक्सरसाइज। हर साल हम लोग इसी दिन में इसी जगह में जयंती हम लोग मानते हैं और जयंती मानने के साथ आंदोलन का समय के हम लोग याद करते हैं और हम समझते हैं आज निश्चित रूप से झारखंड आंदोलन जिस उद्देश्य हुआ है और जिसलिए झारखंड को अलग किया गया निश्चित रूप से हेमंत सरकार को पूरा करने जा रहा है। एक एक चीज़ जो आंदोलन के समय जो हम लोग गांव में शहर में हम लोग कहते आए हैं, आप हेमंत सरकार उसको पूरा करेंगे। पिछले साल 2019 अक्टूबर में जब चुनाव की घोषणा करीब करीब होने वाली थी उस समय झारखंड की सरकार ने सेल की एक लॉ एस खदान का एक्सटेंशन दे दिया उनके लीज का। कर्नाटक की सरकार ने उनका लीज ख़त्म कर दिया और ख़त्म करने के बाद कर्नाटक की सरकार ने कहा कि जो नियम है RDI एक्ट है MCR है उसके हिसाब से हमको प्रीमियम मिलना चाहिए, केवल रॉयल्टी नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ की सरकार ने वैसा कुछ किया नहीं, भारत सरकार ने 22.5% रॉयल्टी के ऊपर 22.5% प्रीमियम देने का निर्णय लिया है कर्नाटक के लिए। तो हम तो उससे वंचित रह गए। एक और मूर्खता इसमें सरकार ने किया कि जब उसको ध्यान में आया तो हमने गलत काम कर दिया था, इन्होंने एक नया डिमांड दे दिया कि प्रीमियम दीजिए। वो हाईकोर्ट में गए, सरकार का आगे कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देकर, पता नहीं
कौन सी जल्दीबाजी रहती थी पहले की सरकार में, किसकी सलाह पर ऐसा करते थे। मैं इतना निश्चित है कि 6,500 करोड़ रुपया जो होते हैं शायद ऐसे के हिसाब से, तो वो सरकार के खजाने में आने से रह गया। और इसके पीछे में कहा मुख्यमंत्री थे कि आप देखिए झांसी फाइलों को देखिए, क्या ऐसी अफ्ता तफरी थी कि हम 6,500 करोड़ का नुकसान भरने के लिए तैयार हो गए। NMDC की मांग से कर्नाटका में जो भारत सरकार उपक्रम है यहाँ सेल था, दोनों के बारे एक ही नियम है। फाउंडेशन के द्वारा हरर गुट्टू माई किड्स प्ले स्कूल के प्रांगण में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के शुभ अवसर पर किया गया है, जिसमें हम लोगों का लक्ष्य लगभग 250 यूनिट का है और क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है और हम लोगों ने आज विशेषकर जो 50 बार से अधिक रक्तदान कर चुके हैं वैसे रक्तदाताओं को सम्मानित करने का काम किया। उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य क्षेत्र में रचनात्मक इस तरह का कार्यक्रम होता रहे और लोगों में जागरूकता हो, इसको लेकर हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। आपका परिचय? सूरज कुमार, संयोजक रक्तदान शिविर आयोजन समिति। जो भी छिटपिट चल रही थी वो भी बंद, और हमारे कार्यकाल में हमने उन सभी माइनिंग को आइडेंटिफाई करके शीशा टूट जाएगा भाई, ऐसी रहना है जो कि कई अनियमितताएं सामने आई। हम सरकार में थे तो कई कंपनियों को हमने पेनल्टी भी लगा रखी है और जो भी चीज़ें आगे होंगी विधि सम्मत और न्याय संगत, और कोई ऐसी गलत कार्य करने की इजाज़त सरकार ना देती है करने को और ना ही होने दो। सर प्रधानमंत्री आज किसानों से सीधे बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आज किसानों से सीधे बात कर रहे हैं, इसके किस रूप में ले रहे हैं? जब तक लोग नहीं मरते तब तक उनकी नींद भी नहीं खुलती। किसान तो ठंड से मर भी रहे, कितनों की जान लेने के बाद वो बात है। ये बहुत चिंता का विषय है। हम खड़ा अन्नदाता के प्रति केंद्र हो या राज्य के सरकारों का अगर इस तरीके का रवैया होगा तो निश्चित रूप से ये दुखद है। इसको लेकर एक अलग पहचान हमारी देश में है, उस पहचान को मिटाने का प्रयास ना। एक साल जो विकास कार्य में गति धीमी रही उसको कैसे फुलफिल करेंगे? देखिए अब 29 तारीख को हम लोग एक साल का लेखा जोखा देंगे, आने वाले समय का रोड मैप हम लोग दिखाएंगे आपको कि आने वाले समय हम लोग किस तरीके से राज्य को आगे ले जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था वही है जो पूर्व की सरकार ने चला रखी थी और जो व्यवस्था को इन लोगों ने डिरेल कर रखा है उस व्यवस्था को फिर से पटरी पे लाएंगे। अब ये दुगुना गति से ये चलेगी। अभी भी प्रवासी मजदूर जो वापस आए थे आपकी पहल से वापस अब फिर जा रहे हैं, क्या करेंगे? आपको पता है हमारा RBI के अकाउंट से तो पैसे काटे जा रहे हैं। सर क्या करें, बस कैसे काम? सर भाई साहब अरे धक्का क्या मार रहे हैं आप? इसको रखिए। नहीं, आपको मालूम होना चाहिए यही परिस्थिति पहले थी। पूरा वेट दे दे। जो वो परिस्थिति CBI की एंट्री की बात थी वो तो बाद में एक ऑर्डर के तहत उनको परमिशन मिला हुआ, नहीं तो वास्तविक परिस्थिति तो अभी की जो है वो यही थी ओरिजिनल। जन्म दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन सभी राजनीतिक दल अपने मतभेद भुलाकर एक जगह इकट्ठा होते आए हैं। अब तक मैम निर्मल महतो जी से मेरे तो व्यक्तिगत संबंध से मुझे याद है कि दो
फरवरी को दुमका में जो झारखंड दिवस होता है उसमें उनके साथ में दो एक बार शामिल रहा हूँ। गतिशील व्यक्तित्व के धनी थे और आज का दिन तो निर्मल महतो जी का जन्मदिन है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, महामना मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन है और एक तरह से देखा जाए तो क्राइस्ट का भी अवतार का दिन है। एक महत्वपूर्ण दिन है और कई महान विभूतियों के साथ इस तरह के संयोग जुड़े रहते हैं इस धरती पर आने के लिए भी और अपना कर्तव्य करने के लिए भी। तो निर्मल महतो जी एक श्रेष्ठ नेतृत्व के गुण वाले व्यक्ति थे, काफ़ी कम समय ही वो धरती पर रह सके, इसलिए उनके गुण की जो विशेषताएं हैं उसको उनके विचारधारा के लोगों को खास करके अधिक से अधिक शिद्दत के साथ अपनाने का प्रयास करना चाहिए। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंठे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। किन लोगों के बीच में क्या किया आज हम लोग? अभी जैसे ये महीना जो है हम लोग के गुरु साहब को समर्पित है, जो चार साहबजादे बाबा जीवन सिंह और हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने इसी महीने की जो शहीदी दिहाड़ा हम लोग मना रहे हैं इसमें शहादत प्राप्त की थी। आज हमने अपने परिवार समेत हम लोग निकले हैं शहीदी दिहाड़े को समर्पित, जो हमारे गरीब गुरबा भाई बहन जो आज सड़क पर हैं, जिनके घर परिवार से बिल्कुल कोई उस लायक ही नहीं है कि जो ठंड से बच सके, तो हमने ये प्लान किया आज अपने परिवार के साथ कि आज हम लोग निकलें और जो भी गरीब गुरबा जिनको ठंड से बचाना है तो इस शहीदों को समर्पित आज हम लोग कंबल वितरण का कार्यक्रम जो अपने परिवार के साथ। गरीबों की किस तरह की तस्वीर देखने को मिली शहर की सड़कों पर आपको? गरीबों की तस्वीर जो देखते हैं तो हम तो ये महसूस करते हैं कि वो परमात्मा का आभार है उनका कि उन गरीबों को इतनी सहनशीलता दी हुई है कि कोई सुविधा नहीं है उसके बाद भी ऐसी कड़ाके की ठंड में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम लोगों को जो लोग इस चीज़ के लिए समर्पित हैं या सक्षम हैं, मैं और लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे अवसरों पर जैसे ठंड का मौसम है और जो गरीब गुरबा लोग हैं उन लोगों को भी आप अपने जो कमाई है उसका दसवां हिस्सा निकाल के गरीब गुरबा लोगों के बीच में बांटिए ताकि समाज में सभी को एक बराबर की स्थिति में हम लोग ला सके। जिस तरह हम लोग ठंड से बचने के लिए आज इतने कपड़े पहने तो उन लोगों को भी कम से कम इस तरह की सुविधा हम लोग उपलब्ध करा सकें। ठीक है, देखिए आज हमारे श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म दिवस है, पूरे देश में इनकी जयंती मनाई जा रही है और ऐसा हमारा मानना है कि ऐसा व्यक्तित्व इस पृथ्वी पर बिरले पैदा लेता है। क्योंकि हम उनके साथ में कुछ समय रहने का हमें सौभाग्य मिला है, जब मैं जिला अध्यक्ष था तो माननीय अटल जी प्रधानमंत्री के नाते उनके साथ मैंने मंच शेयर किया 2000 के विधानसभा चुनाव में, उसके पहले भी मिला है उनके साथ करीब 1994 में। तो ऐसा व्यक्तित्व का व्यक्ति हमें अभी जल्दी नज़र नहीं आता है और आज उनके जयंती के अवसर पे हम पूरे जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के वासियों को शुभकामना देता हूँ और अटल जी के रास्ते पर सभी चलें, यही मेरी आज के तारीख में शुभकामना है। लगातार कुछ ना कुछ करते आए हैं, जैसे कि लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग यहाँ पे खिचड़ी बांटे हैं, कंटिन्यू 3 मंथ यहाँ पे हम लोग खिचड़ी बांटे हैं। दिवाली के दिन हमने
ठंड के मारे कुकर रहे हैं उन्हें हम आज कंबल देने आए हैं। और इसके बाद कहाँ करने वाले हैं? यहाँ अब हम करने वाले हैं, हमारी नेक्स्ट लिस्ट है टेल्को की। टेल्को हम लोग जाएंगे, टेल्को के कुछ ग्रामीण एरिया हैं वहाँ पे हम लोग जाएंगे, और जैसे जैसे हमें लिस्ट मिलती रहेगी हम वहाँ पे करने वाले। तो मैम आपका उद्देश्य क्या आपके संस्था का? हम यही है कि वेलफेयर हम लोग करते हैं, साल में कुछ हम लोग वेलफेयर करते हैं। मेन उद्देश्य यही है कि हमारा वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए हम लोग लगते हैं, वुमेंस को एम्पावरमेंट करते हैं कि वुमेंस आगे आए और काम करें। छोटे छोटे हमने उन्हें बिजनेस जनरेट करके देते हैं कि वो अपने घर चला सके, और मेन है एडुकेशन स्टाइल, एडुकेशन स्टाइल हेल्थ एनवायरनमेंट में हम लोग काम करते हैं। आपका नाम मैम? मुनमुन चक्रवर्ती, सांस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट। देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका दायित्व तो राजनीतिक और सामाजिक तौर पर है कि देश की जनता को जो कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं उस पर स्पष्ट जानकारी दें, और एक सशक्त नेतृत्व की वही पहचान है कि जो विपक्ष की नकारात्मक राजनीति का बिल्कुल सकारात्मक तरीके से लोगों को जागरूक कर सके। और आज उनके संबोधन में आपने सुना कि जो नए कृषि कानून 2020 हैं, जो तीनों कानून किस तरह से ना तो उससे MSP जा रही है, ना ही मंडियाँ खत्म हो रही है, ना ही किसानों की ज़मीन ली जा रही है। तो ये कांग्रेस ने जो दुष्प्रचार पूरे देश में चला कर रखा है, और किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग अपनी बंद राजनीतिक दुकानों को खोलना चाहते हैं उन्हें भी जिस तरह के उत्तर की आवश्यकता है वो उत्तर भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिए। क्यों थाना आए आप लोग? थाना इसीलिए आए हैं कि मेरा ज़मीन का मामला है जो कि बहुत दिनों से चल रहा है, जो हम मेरा ज़मीन था जिस पर हम पहले रहते थे उस पर अगला पार्टी है जो अजय शंकर झा है उस पर कब्जा कर दिया है, और उस ज़मीन पर जाने के बाद वो बार बार हम लोग से गाली गलौज मारपीट करता है, और इसी तरह आज मेरी मम्मी को भी वो मारा है, धक्का दे दिया था जिससे उसको बहुत चोट लगा हुआ है, उसके लिए उसको अस्पताल ले जाएगा। इसी संबंध में थाने में अपना एप्लीकेशन दे रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग जोजोबेड़ा से आए हुए हैं, जोजोबेड़ा के रहने तो गोविंदपुर थाना पड़ता है, तो हमने थाना में अपना रिपोर्ट लिखा है। इससे पहले भी एक साल पहले भी घटना घटा था, उस समय भी मेरी मम्मी को जमीन का ही मामला में जमीन पर गड्ढा खोद रहा था जिससे मेरी मम्मी रोकने गई तो उस पर वो कुदाली से मेरी मम्मी को हाथ पे मारा था, उस समय उनका हाथ कट गया था जिससे उसके बाद जख्मी हो गई थी, ब्लड वगैरह भी निकला था। हम लोग पहले भी थाना में आके इसका शिकायत किए हैं, पर उसके बावजूद वो बार बार ऐसी हरकतें करता, उसका कुछ नहीं होता है, और बार बार हम लोग ऐसे आते हैं थाना में एप्लीकेशन देते हैं और बस ऐसे केस होता है चले जाता, पर आज तक उसके साथ कुछ नहीं हुआ। इससे पहले भी मेरे पापा को वो मार के आधी रात को मार के फेंक दिया था, उसका भी एप्लीकेशन हम थाना में दिए थे पर उसका भी कुछ नहीं हुआ, आज तक के लिए वो कभी भी जेल नहीं आया है, जिसके वजह से बार बार वो हम लोग को प्रताड़ित करते हैं।